पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में समाजवादी की जन संदेश यात्रा लेकर मुरादाबाद पहुंचे कारनपुर के पूर्व सांसद राजा रामपाल, बोलते हुए उन्होंने कहा कि 2022 के इलेक्शन में अब समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। साथ ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, लोगों को बांटने का काम करती है। जन संदेश यात्रा के संबोधन में मौजूद सभी सपाइयों के मुंह से मास्क भी गायब रहा। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर कानपुर के पूर्व सांसद और सपा नेता राजा रामपाल जन संदेश यात्रा लेकर मुरादाबाद पहुंचे और बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुरादाबाद पहुंचे राजा रामपाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को और कुछ नहीं दिखता, वो सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर सत्ता में काबिज हुई थी, लेकिन अब उनकी दाल नहीं गलने वाली है और 2022 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि 2022 के इलेक्शन में जनता को दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश का विकास सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार ही कर सकती है, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया है। तो वहीं गौर करने वाली बात ये रही कि आयोजित कार्यक्रम में सभी समाजवादी पार्टी के नेताओं के मुँह से मास्क ही गायब नजर आया। कोई तैयारी में 2022 के चुनाव में अगर कोई दिखता है, सड़क पर दिखता है, कोई सदन से लेकर सड़क तक दिखता नजर आता है, तो समाजवादी पार्टी का संगठन और समाजवादी पार्टी दिखती है, बाकी कोई पार्टी नजर नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी अगर दिखती है तो आज कोटेदार, राशन, आंगनबाड़ी, तमाम तरह से सत्ता का दुरुपयोग करके फोटो खिंचवा करके भीड़ इकट्ठे करने का काम करती है, जबकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की यात्रा में जिधर से निकल पड़ते हैं लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उससे मोदी जी और योगी जी दोनों परेशान हो गए हैं। उवैसी जी के बारे में वो हमारे भाई हैं और मैं भाई सदन में था तो वो हमारे साथ थे, उनको इतना ही कहूँगा कि इस समय सांप्रदायिक पार्टियों को परास्त करने का समय है, इस समय उन्हें अगर खड़ा होना चाहिए, समाज के हित में अगर काम करने आए हैं तो उन्हें सही दिशा समाजवादी पार्टी की ओर वोट करने के लिए देना चाहिए, उन्हें बांटने का काम नहीं करना चाहिए, उन्हें भाजपा के इशारे पर काम नहीं करना चाहिए। भाजपा लगातार अखिलेश यादव पर निशाना साध रही कि जब उनकी सरकार है तो चुनाव निष्पक्षता से कराना बहुत मुश्किल है। हमें लगता है कि सामने वाला जब मजबूत होता है, बुराई कौन करता है, बुराई कभी कमजोर आदमी की नहीं होती है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय मोदी जी को, योगी जी को पता है कि सामने अगर किसी से टक्कर है तो समाजवादी पार्टी से है, माननीय अखिलेश यादव जी से, इसलिए जो भी कुछ कहेंगे बुराई करने का काम करेंगे माननीय हमारे नेता अखिलेश यादव के लिए करेंगे। हमें लगता है कि जो किसानों के ऊपर जो दुर्घटना हुई है, जिस तरह से उन्हें रौंदने का काम किया है, हमें लगता है कि आज़ादी के पहले हमें लगा अंग्रेजों की हुकूमत याद आने लगी है लोगों को, इसलिए कौन गुंडा है ये कहने की जरूरत नहीं है, लोग समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आजम खां हो या हमारे और तमाम साथियों को जेल में डालकर समाज को भयभीत करना चाहती है, लेकिन ये समाज डरने वाला नहीं है, ये समाज जेल जाने से डरने वाला नहीं, जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो इनसे भी सांप्रदायिक ताकतों से डरने वाला नहीं है। 2022 के इलेक्शन में लगता है कि भाजपा और सपा वर्सेस रहेगी, कितनी फाइट? ये तो आम पब्लिक भी जानती है, आप लोग तो मीडिया के साथी हैं, हमें लगता है सड़क चलते अगर किसी रिक्शे वाले से पूछेंगे कि माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और योगी जी जा रहे हैं, ये कह देगा। एक बार फिर से अरे कृष्ण जी राम जी सबके हैं, लेकिन ये राम को मानने वाले लोग हैं, राम की मानने वाले नहीं हैं। राम को मानने में कुछ नहीं लगना है, राम की मानने का मतलब मर्यादा का पालन, राम की मानने का मतलब पिता की आज्ञा का पालन, वो रास्ता न तो खजाने की ओर जाता है न सिंहासन की ओर जाता है, 14 वर्ष जंगल की ओर जाता है। ये अगर राम की माने तो सत्ता का त्याग करें, ये राम को मानते हैं राम की नहीं मानते,
जैसे कोई अपने पिता को तो मानता है लेकिन पिता की एक नहीं मानता। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी वाले गांधी को भी इसी तरह मानते हैं, इसी तरह पटेल को मानते हैं, लेकिन उनकी बिल्कुल नहीं मानते हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।